हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूं, जो बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाई गई है। इसका टेस्ट काफ़ी लाजवाब होता है। आप एक बार इस तरीके से कढ़ी पकौड़ा बनाकर ज़रूर देखें, तभी इस कढ़ी का टेस्ट पता चल पाएगा। तो चलिए कढ़ी पकौड़ा बनाना शुरू किया जाए। सबसे पहले दो या तीन मीडियम साइज के प्याज को चॉप कर लेंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून बेसन डाल लेंगे, कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक डाल लेंगे। टेस्ट के अनुसार नमक डाल लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेसन थोड़ा कम लग रहा है, 1 चम्मच और बेसन डाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पकौड़ा के लिए मिक्सचर तैयार हो गया। अब कढ़ाई गर्म कर 3 से 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल लेंगे। अब मिक्सचर का राउंड और चपटा शेप देकर गर्म तेल में डाल लेंगे। तेल में जितने भी पकौड़े आप हैं उतने डाल लेंगे। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर इसे पकाएंगे। पकौड़ा फ्राई हो रहा है, तब तक कढ़ी के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। उसी बाउल में 2 टेबल स्पून बेसन ले लेंगे, टेस्ट के अनुसार नमक डाल लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे, ताकि एक भी गुठलियां ना रहें। कढ़ी का घोल अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें 1/2 लीटर पानी डाल लेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। कढ़ी का घोल तैयार हो गया। पकौड़े को भी बीच बीच में पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते हुए दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। देखिए पकौड़ा दोनों साइड से ब्राउन हो गया। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। पकौड़े को एक साइड कर इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। सभी पकौड़ा निकालने के बाद इसमें पानी डाल लेंगे। सभी पकौड़े को पानी में अच्छी तरह से भिगो लेंगे। कढ़ाई में यदि तेल ज़्यादा बच गया हो तो उसे निकाल लेंगे। कढ़ी थोड़ी सी ही तेल में बनती है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे, मेथी का 10-12 दाना डाल लेंगे। मेथी ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। 2 लाल मिर्च डाल लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को ब्राउन होने तक पका लेंगे। लहसुन और अदरक को इस प्रकार क्रश कर पहले से ही रख लेंगे और अब इसे सभी चीज़ों को ब्राउन होने के बाद डाल लेंगे। लहसुन अदरक को भी ब्राउन होने तक पका लेंगे। सभी चीज़ें तैयार हो गई। अब इसमें कढ़ी के लिए तैयार किए गए घोल को डाल लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसे एक साइड से ही चलाते हुए पकाएंगे। 1 कप खट्टा दही लेकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही अच्छा से फिट गया। अब इसमें 250 ml पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। कढ़ी थोड़ी देर पकने के बाद इस दही को भी उसमें डाल लेंगे और इसे भी एक साइड से ही चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो रखना और कढ़ी को एक साइड से चलाना अति आवश्यक है, नहीं तो कढ़ी फट जाएगी। कढ़ी गाढ़ी होने लगी।
देखिए इसमें हल्की उबाल भी आ गई। अब गैस को बंद कर लेंगे। अब पानी में भिगो कर रखे गए पकौड़े को इसमें डाल लेंगे। सभी पकौड़े को कढ़ी के अंदर अच्छी तरह से डुबो देंगे। कढ़ी अब रेडी हो गई, इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। चलिए अब इसमें तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए कलछुल को गर्म कर एक चम्मच घी डाल लेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें थोड़ी सी धनिया और दो लाल मिर्च डाल लेंगे और इसे ब्राउन होने तक पका लेंगे। इस प्रकार से बनाई गई कढ़ी काफ़ी टेस्टी होती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तड़का रेडी हो गया, अब इसे कढ़ी के ऊपर डाल लेंगे। देखिए कढ़ी कितनी अच्छी दिख रही है, यह बहुत टेस्टी भी बनी है। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।